मावटी में एम्स का उद्घाटन करेंगे। बीहू पर आयोजित नृत्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से की बात, भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले का मुद्दा उठाएगा, भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन लें। अखिलेश बोले, यूपी में हो रहे फेक एनकाउंटर, ओवैसी ने कहा गोली से इंसाफ करेंगे तो कोर्ट बंद कर दो, मायावती की मांग उच्च स्तरीय जांच हो। औरैया में शिवपाल यादव के बेटे ने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर बीजेपी को घेरा, बोले एनकाउंटर को मैं असंवैधानिक मानता हूं। बुलंदशहर में आपने तीन निकाय क्षेत्रों में घोषित किए चेयरमैन पद पर प्रत्याशी, अनूप शहर, डिबाई और नौरेरा में आपने घोषित किए उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एनकाउंटर को पूरी तरीके से मैं असंवैधानिक मानता हूं। मैं मानता हूं कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे कानून के अंदर संवैधानिक तौर पर सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एनकाउंटर करके बीजेपी कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना चाहती है, एक धर्म विशेष के आधार पर माहौल खराब करना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी सरकार को कानून में और कोर्ट में विश्वास नहीं है, इसलिए मैं एनकाउंटर को असंवैधानिक मानता हूं और इसकी निंदा करता हूं। दबाव बना के अराजक तत्वों को माहौल बिगाड़ने के लिए लगाने के बाद उसको या तो चुनाव को रद्द कर लिया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दबाव से जीते, ऐसी कई उनकी प्रयास किया गया। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक प्रदीप जी, सभी लोग समाजवादी पार्टी के एकजुट होकर अपना मोर्चा संभाला और जीत अपने प्रत्याशी को जिताया। और जीत भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो प्रक्रिया है चुनावी प्रक्रिया उसमें विश्वास रखते हैं, जनता का हमें पूरा समर्थन है। और मैं तो ये कहूंगा कि मुझसे ज्यादा आज प्रदीप जी ने पूरा दौरा किया है, तो एक बार आप उनसे भी जानें कि आज पूरा क्या फांसी की सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन आप उसका एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के आधार पर माहौल खराब करना चाहते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय इनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, संविधान में, कानून में और कोर्ट में विश्वास नहीं करती। वो विश्वास करती है तो बुलडोजर पे करती है, वो ये नहीं देखती कि अगर किसी एक व्यक्ति ने घर के कोई अपराध किया है तो उसकी सजा पूरे जो परिवार है उसको सजा नहीं देनी चाहिए, उसे एक व्यक्ति को देनी चाहिए। आज आप बुलडोजर चला के पूरे अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद संभल से सपा सांसद का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है, कानून हमारे साथ मौजूद है, किसी को सजा देने का अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालय में उनका केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय चाहे उन्हें फांसी देता या उम्र कैद, एनकाउंटर करना किसी भी मसले का हल नहीं है। यदि वो अपराधी थे तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था, कोर्ट से अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे ऐसे मामला को। ये एनकाउंटर जो है मसले का हल नहीं है। अकबरपुर के सुराड़ी गांव में उज्जैन विभाग की जमीन पर ग्रामीणों ने चबूतरा बनाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगा दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, स्थानीय थानाध्यक्ष समेत भारी पुलिस बल ने सरकारी जमीन पर बने चबूतरे पर बुलडोजर चलाकर समतलीकरण करा दिया और कहा कि प्रशासन की सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई भी निर्माण या कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा।
सहरसा पहुंचे थे जहां पर ये अंबेडकर जी की वो पोस्टर लगाने की बात चल रही थी, वो सिविल एविएशन की ज़मीन है, नागरिक उड्डयन विभाग की ज़मीन है, जहां पर बिना शासन की अनुमति से कोई भी मतलब प्रतिमा या कोई किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। इसलिए वहां से जो उन्होंने पोस्टर रखा था उसको हटवा दिया गया और इनसे अप्लीकेशन लिया गया कि आप अप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिएगा, अगर शासन की अनुमति मिल जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई उस पर की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ेंगे। राहुल, सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने चबूतरा बनवा दिया, फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर का वहां पर पोस्टर लगवा दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी नंदनी, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह मामला जो है अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत आता है, सुराड़ी एक गाँव है जहाँ पर उड्डयन विभाग की सरकारी जमीन थी, रातों रात ग्रामीणों ने चबूतरा बना दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर की एक पोस्टर लगा दिया चौतरे के ऊपर, जिसको लेकर उप जिला अधिकारी सदर पवन कुमार जायसवाल और क्षेत्राधिकारी सुरेश मिश्रा, स्थानीय कोतवाल के अलावा भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और वहां पर जो चौतरा बना था उस पर बुलडोजर चलाकर समतलीकरण करा दिया गया। और प्रशासन का कहना यह है कि सरकारी जमीन पर किसी तरीके का निर्माण या कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन ने एक सख्त रुख अख्तियार किया है और इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आसपास के गांवों में भी, और प्रशासन की हालात पर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। जी नंदनी जी, इस पूरे मामले पर देखिए प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था? ग्रामीणों का देखिए ये कहना है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जैसे कि आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज पूरे प्रदेश में जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, तो इसी के करीब में सरकारी जमीन थी, जैसे कि हमने आपको बताया सरकारी जमीन थी, उस पर चबूतरा बना था बिना किसी आदेश लिए, जबकि प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण या कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, जो प्रशासन का कहना है। और इन्होंने बिना किसी आदेश के लिए रातों रात चौतरा बना लिया जो अवैध रूप से माना जाएगा, तो इसी को लेकर यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चलाकर समतलीकरण करा दिया गया, चौतरे को ढहा दिया गया है, जो पोस्टर था उसको ग्रामीणों से प्रशासन ने हटवाया है और उस पर भी पूरे हालात पर पुलिस और प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। जी नंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल। प्रयागराज के उंतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर कस्बा गांव में प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि जलालपुर कस्बा मृतक निवासी बहादुरपुर ब्लॉक के गोतावा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपने कमरे में पंखे से नायलॉन की डोरी से फांसी लगाकर जान दे दी है। बता दें कि शिक्षक के पिता का आरोप है कि मृतक की पत्नी के मायके के पक्ष के लोगों ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया और मृतक शिक्षक से सुलह समझौता होने के बावजूद पैसे की डिमांड की, जिस वजह से शिक्षक बेटा डिप्रेशन में चला गया और कर्ज में डूबे शिक्षक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद में सिरसागंज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनामिया बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। इनामी बदमाश पर चोरी के करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इनामिया बदमाश थाना मलावन जनपद एटा में 3 मुकदमे में वांछित था। थाना नरसीरपुर, थाना नगला खंगर और सिरसागंज क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई लूट और चोरी की घटनाओं में फरार चल रहा था। बदमाश के कब्जे से 1 पौनिया कारतूस और नकदी बरामद की गई है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के अनुक्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर थाना पुलिस सिरसागंज के द्वारा अहमदपुर बम्बा पर एक अपराधी की घेराबंदी की गई। उसे रोकने पर वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे सिकोहाबाद CSC में भेजा गया है। अब
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।